हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे जूलॉजी फिफ्थ सेम पेपर वन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस। हमने बोटनी वन और बोटनी टू की डिस्कस कर ली है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। ओके, तो हम पेपर वन के स्टार्ट करते हैं। चलिए, यूनिट वन आती है सबसे पहले हमारी, तो उसमें आपको इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा पैरामीशियम। पैरामीशियम के बारे में आपको स्ट्रक्चर पढ़ के जाना है, ठीक है? स्ट्रक्चर तो मेन इम्पॉर्टेंट है। साइकोन के बारे में आप स्ट्रक्चर पढ़ के जाएँ, ठीक है? उबेलिया के बारे में आप लाइफ साइकिल पढ़ के जाएँ, ठीक है? ये तीन टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपको लॉन्ग शॉर्ट में मिल सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट यूनिट में आपका आता है टेनिया सोलियम, जिसमें आपका स्ट्रक्चर पढ़ जाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आएगा ही, ठीक है? लॉन्ग में आएगा और 50 नंबर में। टीनो फोरा आपको शॉर्ट में मिलेगा, ठीक है? एस्केरिस लुम्बेरिकेट्स का स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, एस्केरिस के लाइफ साइकिल भी पूछ सकते हैं, तो ये आपका लॉन्ग में आएगा। ओके, यूनिट थर्ड में आपको लीच या कह दो हीरोडेनिया, एक ही नाम है, तो ये आपको इसमें छोड़ के तो जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। इस चैप्टर में आपको इसका स्ट्रक्चर, इसके बारे में हर चीज़ पढ़ के जानी है अच्छे से, ठीक है? तो ये टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट यूनिट आपकी आती है फोर, जिसमें आपको आएगा पैलेमोन अपेंडेजेस पढ़ के जाना है। इसके बारे में तीन अपेंडेजेस, तीन टाइप के अपेंडेजेस होते हैं, तीनों टाइप के पढ़ के जाएँ। ओके, नेक्स्ट यूनिट फाइव में आते हैं आपकी पीला, ठीक है, स्टार फिश और वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तीन टॉपिक आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पीला, ठीक है? पीला के बारे में पढ़ के जाएँ, स्टार फिश के बारे में, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, तो ये आपको शॉर्ट में मिलेंगे। ओके, 7 to 8 वाले में मिलेंगे, ठीक है? वेरी शॉर्ट में नहीं, 7 to 8 वाले में, ठीक है? और यूनिट सिक्स में आपका आता है राइसबर्ग, शुगर केन, लीफ हॉपर और टर्माइट के बारे में, मॉस्किटोज के बारे में। तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा इनके डिफाइन और लाइफ साइकिल्स के बारे में रीड करके जाना है, ठीक है? ये लॉन्ग में तो आते नहीं है, वेरी उसमें शॉर्ट में आएंगे, ठीक है? इसमें से कोई भी दे देंगे, टर्माइट के बारे में दे देंगे, लाइफ साइकिल पूछ लेंगे, शुगर केन की लाइफ साइकिल पूछ लेंगे, या रसबर्ग क्या होता है उसके बारे में पूछ लेंगे। यूनिट सेवन में आपको फ़िश कल्चर या उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे फ़िश की, तो इसमें आपको फ़िश के बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत अच्छे से, डिफाइन वगैरह सब अच्छे से पढ़ के जाएँ। एक एक पैरा आप अच्छे से इनका तैयार कर लें, जो अगर ये आपको आ जाए तो आप अच्छे से लिखे आए, ठीक है? यूनिट एट में आपको एपिकल्चर में वेरी शॉर्ट में डिफाइन पूछ सकते हैं, या इसका प्रोसेस 7 to 8 में भी पूछ सकते हैं। सिल्क वर्म में लाइफ साइकिल आती है, बी कीपिंग, बी वैक्स, लैक, तो इन तीनों के बारे में आपको वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ओके, तो ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 1 to 8, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी स्टार्टिंग की यूनिट है, 1, 2, 3 और 4, तो आपको 4 यूनिट स्किप करके ही नहीं जानी है। जो आपको मैंने टॉपिक दिए हैं यही आपको टॉपिक वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है? तो आप इन्हें बिल्कुल स्किप ना करें। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं आपको इनके अलग से वो करवाऊँगी, इनके स्ट्रक्चर, इनके लाइफ साइकिल, पैरामीशियम की, साइकोन की, ओबेलिया की या हीरोडेनिया की, ठीक है? ठीक है, आपको मैं कराऊंगी अलग से, ये आज के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? सो सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट। ओके, बाय।